अध्याय 21 धार्मिक सहिष्णुता का जन्म, भक्ति आंदोलन, सूफी संप्रदाय तथा साहित्य व कला के क्षेत्र में प्रभाव, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, भक्ति मूवमेंट, सूफी सेक्ट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन आर्ट एंड लिटरेचर। समाज सुधारक एवं धर्म सुधारक के रूप में कबीरदास की शिक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण थी। डॉक्टर ताराचंद्र, सल्तनत काल में हिंदुओं में अनेक ऐसे धार्मिक विचारक हुए हैं जिन्होंने भक्ति को धार्मिक महत्व दिया और धर्म सुधार के एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया जो भक्ति आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख धर्म सुधारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, अथवा मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन के विशिष्ट तत्वों का निरूपण कीजिए 2004 MH, MJ, MF, 2009 IE, अथवा भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, समकालीन समाज पर इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा 2011 IH। उत्तर, भक्ति आंदोलन का अर्थ, मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बतलाए गए हैं, ज्ञान, कर्म तथा भक्ति। सल्तनत युग में हिंदुओं में अनेक ऐसे धार्मिक विचारक हुए हैं जिन्होंने भक्ति को अधिक महत्व दिया और धर्म सुधार का एक नया आंदोलन प्रारंभ किया जो भक्ति आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। यह आंदोलन कोई नवीन आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन का इतिहास आचार्य शंकराचार्य के काल से शुरू होता है जिन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की 3 मार्गों में प्रथम अर्थात ज्ञान पर अधिक बल दिया। साधारण जनता ने उनके ज्ञानपूर्ण विचारों का हृदय से स्वागत नहीं किया। साधारण जनता के मस्तिष्क को हिंदू धर्म की ओर आकृष्ट करने तथा उस जनता के जीवन का एक सक्रिय तथा स्फूर्तिदायक तत्व बनाने के उद्देश्य से हमारे मध्ययुगीन धार्मिक विचारों ने तीसरे मार्ग अर्थात भक्ति को अधिक महत्व दिया है। इन संतों ने बहुदेववाद का खंडन किया और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्होंने कर्मकांड एवं जाति भेद का विरोध एवं मूर्ति पूजा का खंडन किया और भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करने का उपदेश दिया। इसी को इतिहास में भक्ति आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के जन्म के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, मुसलमान शासकों के धार्मिक अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता भगवत भजन की ओर झुकी। नंबर 2, सूफी संतों की उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेममय पूजा ने जनता को प्रभावित किया। नंबर 3, हिंदू और मुसलमानों के पारस्परिक संपर्क ने भी इस आंदोलन के उदय में सहायता पहुंचाई। सल्तनत काल के भक्ति एवं धर्म सुधार आंदोलन को ही भक्ति आंदोलन कहा जाता है। पृष्ठ संख्या 251, भक्ति आंदोलन की शिक्षाएं या विशेषताएं। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। नंबर 1, भक्ति आंदोलन के समर्थक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। नंबर 2, ये लोग पौराणिक धर्म के कर्मकांड के विरोधी थे। नंबर 3, इन्होंने चरित्र की शुद्धता को मनुष्य का आभूषण बताया। नंबर 4, संतों ने जाति प्रथा पर भीषण प्रहार किया। नंबर 5, सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होता है। नंबर 6, मोक्ष के लिए संन्यास आवश्यक नहीं। नंबर 7, छोटे बड़े या ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं माना। नंबर 8, मूर्ति पूजा का विरोध किया। नंबर 9, इन्होंने धार्मिक बाह्य आडंबरों को व्यर्थ बताया। नंबर 10, इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया। नंबर 11, यह आंदोलन देशव्यापी था। नंबर 12, इस आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, परंतु बौद्ध धर्म के पतन के बाद भारत में इतना व्यापक और लोकप्रिय अन्य कोई आंदोलन नहीं हुआ था। इस आंदोलन के 2 मुख्य उद्देश्य थे, नंबर 1, हिंदू धर्म का सुधार करना और नंबर 2, हिंदू तथा इस्लाम धर्मों में समन्वय तथा मित्रता स्थापित करना। भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संत। नंबर 1, आचार्य रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक राम अनुज थे जिनका आविर्भाव 1017 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने सगुण ब्रह्म की भक्ति को लोकप्रिय बनाया और उसे मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग बताया। इन्होंने मूर्ति पूजा एवं जाति के भेदभाव का खंडन किया और स्त्रियों के लिए भी भक्ति के द्वार खोल दिए। इनकी शिक्षाओं का दक्षिण में बड़ा प्रभाव पड़ा। 1137 ईस्वी में आपकी जीवन लीला समाप्त हो गई। नंबर 2, रामानंद। 14वीं शताब्दी, रामानंद का जन्म इलाहाबाद के एक ब्राह्मण कुल में हुआ। वे उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रेरणाता थे। उन्होंने भारत के प्रायः सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर हिंदी भाषा में राम भक्ति की उपासना का उपदेश दिया। इन्होंने शुद्धाचरण एवं भक्ति को विशेष महत्व दिया। किसी को अपना शिष्य बनाने में ये जाति पांति का विचार नहीं करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके 12 शिष्यों में 1 चमार, 1 जुलाहा और 1 नाई भी था। कबीरदास इन्हीं के शिष्य थे। इनका कहना था, जाति पांति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। नंबर 3, वल्लभाचार्य। श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म 1479 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता दक्षिण के तैलंग ब्राह्मण थे जो बाद में आकर काशी में बस गए थे। वल्लभाचार्य जी ने अनेक तीर्थों की यात्रा की और कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया।
उनका कहना था कि ब्रह्म तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा भक्ति के माध्यम से अपने बंधनों से छुटकारा पा सकती है। ईश्वर ही मनुष्य को पापों से मुक्त कर सकता है, इसीलिए भक्त को अपना सर्वस्व वासुदेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जनता में उनके उपदेशों का बहुत प्रभाव पड़ा। नंबर 4, चैतन्य। भक्ति आंदोलन के महानतम संत चैतन्य थे। इनका जन्म 1485 ईस्वी में बंगाल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे युवावस्था में ही सन्यासी हो गए। उन्होंने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के अधिकांश भागों का भ्रमण किया और प्रेम तथा भक्ति का संदेश जनता को दिया। उनके उपदेशों का सार इस प्रकार है, जो व्यक्ति कृष्ण की उपासना तथा अपने गुरु की सेवा करता है, वो मायाजाल से मुक्त होकर कृष्ण के चरण बिंदु को प्राप्त कर लेता है। चैतन्य धर्म के बाह्याडंबर एवं कर्मकांड के विरोधी थे। उन्होंने जाति प्रथा का खंडन किया और ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं माना। चैतन्य के अनुयायी उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। 1533 ईस्वी में वे गोलोक को सिधारे थे। नंबर 5, कबीर। मध्यकाल के भक्ति आंदोलन के धर्म और समाज के महान संतों की जब चर्चा होती है तो संत कबीर दास का नाम सभी के द्वारा सम्मान के साथ लिया जाता है। कबीर दास ने समान रूप से हिंदू और मुसलमानों दोनों को ही सुधार की प्रेरणा और ज्ञान दिया था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, कबीरदास बहुत कुछ अस्वीकार करने का अपार साहस लेकर अवतीर्ण हुए। उन्होंने आजीवन संप्रदायवाद, बाह्याचार और बाहरी भेदभाव पर कठोर आघात किया था। पृष्ठ संख्या 252, नंबर 6, गुरु नानक। गुरु नानक भी भक्ति मार्ग के उन प्रवर्तकों में से थे जो हिंदू तथा इस्लाम धर्मों का समन्वय करना चाहते थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर जिले के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने बताया कि हिंदुओं तथा मुसलमानों में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने देश भ्रमण किया और अपना उपदेश जनता तक पहुंचाया। वे मक्का तथा मदीना भी गए। 1538 ईस्वी में उनकी मृत्यु करतारपुर में हुई। उन्होंने धार्मिक बाह्याडंबर में भेदभाव कर्मकांड की निंदा की और एकेश्वरवाद तथा उसकी भक्ति का उपदेश दिया। उनके शिष्यों में हिंदू एवं मुसलमान दोनों जाति के थे। नानक ने सिख पंथ को जन्म दिया। प्रश्न संख्या 2, कबीरदास के जीवन परिचय का उल्लेख करते हुए इनके समाज सुधार के कार्यों पर प्रकाश डालिए। 2003 KK KG 2007 KK KL अथवा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में कबीर के योगदान की विवेचना कीजिए अथवा भक्ति आंदोलन के महान प्रवर्तक कबीर एवं गुरु नानक थे इस कथन की व्याख्या कीजिए। 2010 LI अथवा कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे इस कथन की विवेचना कीजिए। 2010 LL उत्तर, संत कबीर का जीवन परिचय। कबीरदास के जीवन परिचय के विषय में बाद के संत कवियों के साहित्य से बड़ी रोचक जानकारी प्राप्त होती है। इनके माता पिता के विषय में स्पष्ट पता नहीं चलता है। ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उन्हें नदी के किनारे पड़ा हुआ पाया था। कहते हैं कि विधवा ब्राह्मणी लोकलाज के भय से इन्हें यहाँ छोड़ गई। काशी इनका निवास स्थान था। महान संत रामानंद को इन्होंने अपना गुरु माना था। कबीरदास का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था। इनका पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। संत कबीर अपने विचारों और कार्यों से बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए थे। वे बहुत निर्भीक और मस्तमौला स्वभाव के थे। कबीरदास बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा, मसिकागत छुइयो नाही, कलम गहियो नहीं हाथ। फिर भी वे बड़े सारग्राही और प्रतिभावान थे। उनके शिष्यों ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया, जिसके मुख्य भाग हैं साखी, सबद, पद, रमैनी। संत कबीरदास ने 120 वर्ष की आयु पाई, जो उनसे जैसे संत के लिए कोई अनहोनी बात नहीं है। संत कबीर के धर्म और समाज सुधार के कार्य। नंबर 1, एक निर्गुण ईश्वर की सत्ता में विश्वास। कबीरदास निर्गुण ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। सच्ची भक्ति से उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा कबीर का दर्शन था। किसी भी प्रकार के देवतावाद में उनका विश्वास नहीं था। नंबर 2, संप्रदाय और जाति प्रथा में अविश्वास। कबीरदास का संप्रदाय और जाति प्रथा में अविश्वास नहीं था। वे सभी को समान मानते थे। हिंदू और मुसलमान के भेद का खंडन करते हुए कबीर ने कहा, कोई हिंदू कोई तुरक कहावे, एक जमी पर रहिए। वे जन्मजात ऊंच नीच और छुआछूत के प्रबल विरोधी थे। वे कहते हैं कि ऊंचे या नीचे कुल में जन्म लेने से ही कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि अच्छे या बुरे कर्मों से ही व्यक्ति ऊंचा या नीचा बनता है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोए। नंबर 3, हिंदुओं पर व्यंग्य। हिंदुओं की श्रेष्ठता और वर्ग विभेद को कबीर स्वीकार नहीं करते। हिंदुओं के बाहरी आडंबर को ललकारते हुए उन्होंने कहा, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गगरी छुअन न देई, वैश्या के पायंतर सोए, ये दोखे हिंदुआई। नंबर 4, मूर्ति पूजा का खंडन। कबीरदास ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। मूर्ति पूजा को उन्होंने निरर्थक सारहीन कर्मकांड माना। व्यंग्य करते हुए कबीरदास ने लिखा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहार, ताते तो चाकी भली, जाकी पीस खाए संसार। पृष्ठ संख्या 253। नंबर 5, मुसलमानों को फटकार। कबीरदास ने मुसलमानों द्वारा नमाज पढ़ने पर व्यंग्य करते हुए कहा, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। नंबर 6, ग्रंथों के विरोधी।
कबीरदास पुस्तक के ज्ञान के विरोधी थे। उनके उद्धरणों की दुहाई देने वाले पंडितों विद्वानों से भी उन्हें कोई लगाव नहीं था। उन्होंने कितनी सुंदर बात कही है, मैं कहता आंखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोए, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस प्रकार कबीरदास बहुत व्यावहारिक धर्म सुधारक और समाज सुधारक थे। इनके शिष्य हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से बने थे। भक्ति युग में कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य किया। गुरु नानक। इस काल के दूसरे महान संत सिख धर्म के मूल प्रवर्तक गुरु नानक थे। वे 1469 ईस्वी में लाहौर जिले में रावी तट पर तलवंडी गांव में पैदा हुए थे। उनके माता पिता दीन थे। उनके पिता कालू अपने गांव में बनिया तथा पटवारी का काम करते थे। नानक बचपन से ही एकांत प्रिय, उदासीन तथा विचारशील स्वभाव के थे। पाठशाला में वे अपने सहपाठियों से बातचीत नहीं करते थे। जिस समय पाठशाला के अन्य विद्यार्थी अध्ययन में लीन होते, वे एकांत और मनन में समय व्यतीत करते थे। जब वे बड़े हुए तो पिता ने उन्हें वैराग्य वृत्ति से विमुख करने के लिए व्यापार के लिए कुछ रुपए दिए, जिसे उन्होंने भूखे फकीरों में बांट दिया। 16 वर्ष की अवस्था में पिता ने यह सोचकर उनका विवाह कर दिया कि बहुत संभव है वैवाहिक सुख की ओर झुककर वो सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त हो जाए, किंतु उन्हें मार्ग से विचलित करने का कोई प्रयत्न सफल न हुआ। उन्होंने देश विदेश का भ्रमण किया तथा विभिन्न मतानुयायियों से विचार विनिमय करके अपनी बुद्धि और अनुभव को विकसित किया। अंत में वे संसार का परित्याग करके रावी तट पर कुटी बनाकर रहने लगे। यहां 70 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया। गुरु नानक का ईश्वर की एकता में विश्वास था। उन्होंने भी परमात्मा की भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा की निंदा की, बहुदेव पूजा का विरोध किया और इस बात का समर्थन किया कि सच्चा धर्म एक है। उन्होंने मुल्लाओं, पंडितों, दरवेशों और सन्यासियों से प्रभुओं के प्रभु को स्मरण करने को कहा, जिसने की अगणित मोहम्मद, विष्णु तथा शिवों को आते जाते देखा है। वे अत्यंत नम्र एवं सहनशील थे। वे नबी और अवतारों का समान आदर करते थे। वे अपने को ईश्वर का दास कहते थे। अन्य अलौकिक शक्ति में उनका विश्वास नहीं था। उनके लिए ईश्वर का नाम तथा उनके सिद्धांत की शुद्धता और सरलता ही आडंबरों से लड़ने के एकमात्र अस्त्र शस्त्र थे। उन्होंने सच्चरित्रता पर जोर दिया और मनुष्यों को सत्यवादी, ईमानदार होने पर ईश्वर से डरने का उपदेश दिया। संसार का परित्याग करना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है। उनकी दृष्टि में धार्मिक सन्यासी तथा भक्त गृहस्थ सभी समान हैं। वे जब तक जीवित रहे, उन्होंने हिंदू मुसलमानों के विभेदों को दूर करने की चेष्टा की और अपने अनुयायियों पर कोई कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए। उनकी मृत्यु के उपरांत राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सिखों को एक दृढ़ संगठन कर सैनिक जाति बन जाना पड़ा। गुरु नानक के सिद्धांत सिखों की धर्म पुस्तक ग्रंथ साहब में लिखे हुए हैं। इस ग्रंथ के द्वितीय भाग की रचना गुरु गोविंद सिंह ने की और अपने पूर्वाधिकारियों के सिद्धांतों में उन्होंने परिवर्तन किया। नानक साहब का ईश्वर के साथ अटूट प्रेम था। उसके सद्गुणों में उन्हें पूरा विश्वास था। नानक जी के साथ भक्ति का अंत नहीं हो गया। 16वीं शताब्दी में इस संप्रदाय में तुलसीदास और सूरदास जैसे महान पुरुष उत्पन्न हुए, जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया। उनकी रचनाएं हमारे साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। इन धर्मात्मा महापुरुषों का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने दोनों धर्मों के अनुयायियों में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। हिंदू मुसलमान संतों का सम्मान करने लगे तथा मुसलमान भी हिंदू देवताओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करने लगे। ये पारस्परिक शुभकामना हुसैन शाह शर्की द्वारा प्रचलित सत्य पीर संप्रदाय में पाई जाती है, जिसकी स्थापना हिंदू मुसलमान एकता के लिए की गई थी। ये सच है कि प्रयत्न असफल रहा, किंतु उसका यह प्रभाव अमिट था। उसके अनुयायियों में जो उत्साह छिपा था, उसका प्रभाव बादशाह अकबर पर पड़ा। उसने मतों, संप्रदायों के झगड़ों को बंद करने का प्रयत्न किया और सुलह कुल अर्थात सर्वशांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पृष्ठ संख्या 254। भक्ति आंदोलन का प्रभाव। भक्ति आंदोलन के संतों ने सभी धर्मों की एकता एवं ईश्वर की भक्ति पर विशेष जोर दिया है। इस आंदोलन का जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। नंबर एक, इस आंदोलन से बहुसंख्यक लोगों ने भक्ति मार्ग का अनुसरण किया और सामाजिक तथा धार्मिक कर्मकांडों से मुक्ति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया। नंबर दो, इस आंदोलन से हिंदुओं का नैतिक और आध्यात्मिक विकास हुआ। नंबर तीन, इस आंदोलन के कारण सभी धर्मों एवं जातियों में धार्मिक सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप देश में शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक एकता का वातावरण उत्पन्न हुआ। नंबर चार, इसके फलस्वरूप सामाजिक स्थिति में भी पर्याप्त सुधार हुआ। नंबर पांच, भक्ति आंदोलन के कारण समाज की अनेक कुरीतियां समाप्त हो गई। नंबर छह, इससे स्थानीय एवं प्रांतीय भाषाओं की उन्नति हुई, साथ ही प्रांतीय भाषाओं के साहित्य में भी वृद्धि हुई। नंबर सात, भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप शासकों के दृष्टिकोण में भी समाज उपयोगी परिवर्तन और उनके प्रशासन में लोकहित को महत्व दिया जाने लगा। नंबर आठ, दलितों के उत्थान में भेदभाव भी बहुत कम होता चला गया और दोनों वर्गों की जनता एक दूसरे के निकट संपर्क में आने लगी। प्रश्न संख्या तीन, सूफी मत ने भारतवर्ष की विचारधारा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित किया है। इस कथन पर टिप्पणी लिखिए अथवा सूफी मत का परिचय दीजिए तथा उसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 2006 ईस्वी अथवा पूर्व मध्यकाल में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय में सूफी संतों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर,
सूफी दर्शन इस्लाम धर्म के मंच से विकसित होने वाला विश्व का एक प्रमुख धर्म है जो मूल रूप से इस्लाम दर्शन पर ही आधारित है। इस धर्म में सृष्टि जीव आदि का रहस्यवाद बहुत अधिक जुड़ गया। कालांतर में भारत में विकसित होने वाले सूफी मत में हिंदू धर्म की भक्ति भावना का समावेश हो गया। इस्लाम के निर्गुण एकेश्वरवाद और दर्शन की भक्ति का प्रतिफल सूफी मत था। सूफी संत बहुत ही पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। इनमें अलौकिक शक्तियों का समावेश था, इसलिए इनके जीवन में जनसाधारण के लिए अपार श्रद्धा उत्पन्न होती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों में ही सूफियों के प्रति श्रद्धा और विश्वास जागृत हुआ। सूफी शब्द का अर्थ। सूफी शब्द के विषय में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है। एक प्रबल मान्यता है कि मदीना की मस्जिद के सामने एक सुफा अर्थात चबूतरा था, जिस पर बैठकर जो संत प्रभु का ध्यान लगाते थे वे सूफी कहलाए। कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें सफा अर्थात पवित्र शब्द के नाम पर सूफी कहा गया। कुछ अन्य विचारकों का स्पष्टीकरण है कि कुछ साधक ऊन अर्थात सूफ से बना लबादा धारण किया करते थे, इस सूफ से ही ये सूफी कहलाए। यूनानी भाषा में पवित्र ज्ञान शब्द के लिए सोफिया शब्द है, इस सोफिया शब्द से ही सूफी शब्द का प्रचलन हुआ होगा। भारत में सूफी मत का आगमन। भारत में सूफी मत का आगमन मुसलमानों के आक्रमण के साथ हुआ। इन आक्रमणकारियों के साथ सूफी संत भारत में आए। इनमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। दिल्ली और अजमेर सूफी संतों का मुख्य निवास स्थान था। सूफी संत मुसलमानों के तो पूज्य थे ही, हिंदुओं के हृदय में भी इनके प्रति अपार श्रद्धा थी। सूफी मत बहुत शीघ्र लोकप्रिय हो गया। आज भी सूफी संतों की मजारों पर हर वर्ग हर आयु की महिलाओं और पुरुषों को देखा जा सकता है। दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और अजमेर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर आज भी लोग श्रद्धा प्रकट करते हैं। पृष्ठ संख्या 255। सूफी मत का प्रसार। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष में सूफियों ने पदार्पण किया था। मुख्य रूप से भारत में सूफियों के चार संप्रदाय सफल रहे हैं, ये निम्नलिखित हैं। नंबर एक, सुहरावर्दी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक संत जियाउद्दीन थे, लेकिन इसके संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। ये बगदाद के निवासी थे। इन्होंने सिंधु से मुल्तान तक अपने मत का प्रचार किया। भारत में अन्य सूफी संप्रदायों की अपेक्षा इस संप्रदाय का अच्छा प्रभाव था। नंबर दो, चिश्ती संप्रदाय। इस संप्रदाय के भारत में संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इनके उपदेशों के मुख्य केंद्र अजमेर व दिल्ली थे। ये जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे। आपके उपदेश व सिद्धांतों से प्रभावित होकर अनेक हिंदू व मुसलमान सम्राट आपके शिष्य बन गए थे। इस संप्रदाय के संतों में बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो व वियोग श्रृंगार रस के महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी के नाम उल्लेखनीय है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की खबर पर आज भी हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपनी श्रद्धा प्रकट करने जाते हैं। ये संप्रदाय आज भी भारतीयों में लोकप्रिय है। नंबर तीन, कादरिया संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक संत शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। इन्होंने कादरिया संप्रदाय का बहुत प्रचार एवं प्रसार किया था। इस संप्रदाय के संत या अनुयायी सभी देशों में पाए जाते हैं। कादिर 13वीं सदी में हुए थे। इस संप्रदाय के प्रमुख संतों में फकीर महमूद शाह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह भी कादरिया सूफी संप्रदाय से प्रभावित होकर इसका अनुयायी बन गया था। नंबर चार, नक्शबंदिया संप्रदाय। इस संप्रदाय के महान सूफी संत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदिया थे। वे तुर्की के रहने वाले थे। इस संप्रदाय के प्रमुख संतों में ख्वाजा बाकी बिल्लाह व शेख अहमद सरहिंदी थे। सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत और शिक्षाएं। रोमन नंबर एक, सूफी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। ये ईश्वर शाश्वत, निर्गुण, निराकार और सत्य है। सब कुछ ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है, सभी में उसका प्रकाश समाहित है। रोमन नंबर दो, समस्त सृष्टि का निर्माण निराकार ईश्वर ने किया है। रोमन नंबर तीन, सूफी ईश्वर प्राप्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते थे। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति है और भक्ति साधना की रहस्यवादी है। विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ साधक ईश्वर को प्राप्त करता है। रोमन नंबर चार, ईश्वर प्राप्ति के लिए इन्होंने संयम, पवित्र जीवन, निर्धन रहना, तौबा, खौफ, शुक्रगुजार, रिजा और संतोष आदि को आवश्यक माना। रोमन नंबर पांच, संगीत और गायन भी ईश्वर प्राप्ति के प्रमुख साधन थे। रोमन नंबर छह, गुरु अथवा पीर को सूफी मत में सर्वाधिक महत्व दिया गया। गुरु ही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिखाने वाला है, इसी के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति संभव है। रोमन नंबर सात, सूफी मत के दर्शन के अनुसार मनुष्य सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। रोमन नंबर आठ, सूफी मत में किसी भी प्रकार के वर्ग विभेद और जाति भेद को स्वीकार नहीं किया गया है। रोमन नंबर नौ, सूफी मत में प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ईश्वर को प्रियतम प्रेमी या प्रेमिका माना गया है। रोमन नंबर 10, सूफी मत में फना में विश्वास किया गया है। इसका अर्थ आत्मत्याग से है, अर्थात अपनी सांसारिक इच्छाओं का परित्याग करना चाहिए। रोमन नंबर 11, सूफी दर्शन में प्रेम और नैतिकता को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी मत का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। सूफी संतों ने इस्लाम को भारतीयों के अनुकूल बनाया। सूफी मत का चिश्तिया संप्रदाय वेदांत दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित था, अतः सूफी मत का हिंदुओं पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। सूफी संतों ने जो कुछ किया वो मानवता के लिए किया। उन्होंने हिंदुओं के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया था।
इसी प्रकार सूफी मत के संबंध में यह कहा जाता है कि सूफी मत ने भारतवर्ष की विचारधारा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित किया है। पृष्ठ संख्या 256। सूफी संतों के कारण ही भारतीय समाज से जाति पाति का भेदभाव समाप्त होने लगा था। सूफियों का मत था कि सब एक ही ईश्वर या अल्लाह के बंदे हैं, अतः मानव समाज में पारस्परिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। अतः सूफियों के कारण भारतीय समाज में एकता की भावना जागृत हुई थी। सूफियों ने भारतीयों के धार्मिक जीवन को भी अत्यधिक प्रभावित किया। इसने हिंदुओं के धार्मिक जीवन में विभिन्नता के स्थान पर एकता को जन्म दिया। धार्मिक एकता के साथ साथ सूफी मत ने व्यापक भक्ति भावना के प्रसार को भी प्रोत्साहन दिया। सूफी संतों ने हिंदुओं की वेशभूषा को अपनाया था। इसके साथ ही अपने धर्म के सिद्धांतों का सार भी सूफियों ने हिंदू धर्म से लिया था। इससे भी भारतीय जनता पर इस्लाम धर्म के इन सूफी संतों का प्रभाव पड़ा। सूफी संतों ने इस्लाम धर्म को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया था, केवल वे ही उच्च विचार व सिद्धांत उन्होंने इस्लाम धर्म से लिए थे जो सभी धर्मों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। फिर भी इस मत के संदर्भ में यह कथन उचित ही है कि सूफी दर्शन इस्लाम का महान भक्ति प्रधान दर्शन था। प्रश्न संख्या 4। शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में सल्तनत काल में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी, विवेचना कीजिए। 2004 ME, 2006 HO। उत्तर, सल्तनत काल में साहित्य एवं कला। सल्तनत काल में साहित्य एवं कला के विकास के विवरण निम्नवत हैं। सल्तनतकालीन साहित्य। कुछ विद्वानों का कथन है कि पराधीनता के कारण इस युग में हिंदुओं की सृजनशील प्रतिभा लुप्त हो गई और उन्होंने साहित्य, कला तथा विज्ञान के क्षेत्रों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की। परंतु इस कथन में सत्यता का अंश बहुत कम है। इतना अवश्य है कि गुप्त, हर्ष तथा राजपूतों की तुलना में इस युग में संस्कृत के स्थान पर फारसी तथा प्रांतीय भाषाओं में साहित्य की रचना अधिक हुई। दिल्ली के सुल्तान जैसे बलबन अलाउद्दीन तथा मोहम्मद तुगलक विद्या तथा साहित्य के बहुत प्रेमी थे और विद्वानों तथा कवियों का वे अत्यधिक सम्मान करते थे। फारस के विद्वान अलबरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन करके यहाँ की सभ्यता को समझा और अपने अनुभवों को तहकीके हिंद नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया। महान कवि व साहित्यकार अमीर खुसरो ने बलबन जलालुद्दीन तथा अलाउद्दीन खिलजी के दरबारों की शोभा बढ़ाई। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 99 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से प्रमुख 4 खजानुल फतूह, तुगलकनामा, नूहे सिपेहर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके ग्रंथों से उस समय के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की पूर्ण झांकी मिलती है। उन्होंने हिंदी भाषा में अनेक अच्छी कविताएं भी लिखी थी। हसन देहलवी सल्तनत युग में दूसरे उल्लेखनीय कवि थे। इस युग में इतिहास के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे गए, जिनमें मिनहाज उस सिराज की तबकात ए नासिरी, बरनी की तारीक ए फिरोज शाही, शमसे सिराज अफीफ की तारीक ए फिरोज शाही, हसन निजामी की ताजुल मासिर अधिक प्रसिद्ध है। इस काल में संस्कृत में भी अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। 1300 ईस्वी के लगभग पार्थसारथी मिश्र ने कर्म मीमांसा पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। योग वैशेषिक तथा अन्य दर्शनों पर भी कई ग्रंथों की रचना हुई। इस युग में कई सुंदर नाटक भी लिखे गए, जिनमें जयसिंह सूरी कृत हमीर मदमर्दन, विद्यानाथ कृत प्रताप रुद्र कल्याण तथा वामन भट्ट रचित पार्वती परिणय अधिक प्रसिद्ध है। भक्ति मार्ग के कवियों ने प्रांतीय भाषाओं में प्रभावपूर्ण साहित्य की रचना की। कबीर ने हिंदी, नानक ने पंजाबी, मीरा ने राजस्थानी, चैतन्य ने बंगला, विद्यापति ठाकुर ने मैथिली, ज्ञानदेव ने मराठी में सुंदर एवं सुमधुर काव्य की रचना की। सल्तनत काल के संत कवियों की रचनाएं भक्ति रस से परिपूर्ण है और भाव तथा भाषा दोनों की दृष्टि से इन कवियों का साहित्य उच्च कोटि का है। पृष्ठ संख्या 257। प्रश्न संख्या 5। सल्तनतकालीन कला का वर्णन कीजिए 2005 JB अथवा सल्तनतकालीन वास्तुकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए 2004 MG। उत्तर, दिल्ली सुल्तानों तथा प्रांतीय शासकों व हिंदू राजाओं को भवन निर्माण का बहुत शौक था। इसी कारण 13वीं-14वीं शताब्दियों में दिल्ली के सुल्तानों के प्रोत्साहन स्वरूप अनेक भव्य और कलात्मक भवनों का निर्माण हुआ। इस युग के कई भव्य इमारतें आज भी सुरक्षित हैं। कुतुब मीनार, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया तथा इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया, संसार की सर्वश्रेष्ठ मीनार है। दिल्ली के निकट कुवत उल इस्लाम मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 26 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से बनवाई थी। कुतुबुद्दीन की बनवाई हुई अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद भी एक दर्शनीय इमारत है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा तथा अलाई दरवाजा इस्लामी शैली के भव्यतम नमूने हैं। खिलजी इमारतों में सजावट बहुत है। तुगलक काल की इमारतों में हम सरलता तथा गंभीरता पाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। सल्तनत काल के प्रांतीय शासकों ने भी अनेक इमारतें बनवाई, जिसमें से अभी बहुत सी इमारतें विद्यमान हैं। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात तथा बहमनी राज्यों में अनेक सुंदर मस्जिदें तथा इमारतें बनवाई गई थी। हिंदू राजा तथा सामंतों की बनवाई गई इमारतों में विजयनगर के मंदिर तथा प्रसाद अधिक प्रसिद्ध हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय द्वारा बनाया हुआ विट्ठलनाथ जी का मंदिर अपने ढंग का सुंदरतम मंदिर था। मेवाड़ के राणा कुंभा द्वारा बनवाया हुआ विजय स्तंभ भी सल्तनत काल में निर्मित इमारतों में से एक है। फर्ग्यूसन ने 15वीं शताब्दी में विकसित भारत की वास्तु निर्माण कला को 13 भागों में विभाजित किया है। इस विभाजन का आधार उनकी ऊपरी छतों की शैली तथा वक्र रेखाओं के घुमावों का आकार ही था। जैसे बंगाल की जलवायु गुजरात व जौनपुर से भिन्न है, तो वहां की छतों में अधिकतर बांसों का प्रयोग हुआ है तथा निर्धनों के मकानों की छतों पर उसी प्रकार की साधारण शैली का प्रयोग हुआ है। इसी काल में निर्मित छतें दोनों ओर को ढालू होती थी, जिससे उनका पानी सुगमता से बह जाए।
इसी प्रकार गुजरात की वास्तुकला पर प्रांतीय प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जौनपुर की अटाला मस्जिद वहां के शासकों की कलात्मक रुचि का उत्कृष्ट नमूना है। मालवा में जहाज महल और हिंडोला महल भी अपने ढंग के अनोखे स्मारक हैं। इसी प्रकार फिरोज तुगलक ने भी भवन निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया था। उसने कई नगर बसाए तथा सैकड़ों मस्जिदों और भवनों का निर्माण करवाया था। सल्तनत काल में भारतीय स्थापत्य कला शैली और फारस की स्थापत्य कला शैली दोनों में समन्वय स्थापित हुआ था। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या एक, भक्ति आंदोलन के भारतीय समाज पर चार प्रभाव लिखिए। उत्तर, नंबर एक, प्रांतीय भाषाओं में साहित्य का विकास। नंबर दो, हिंदू और मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति कटुता की भावना कम हुई। नंबर तीन, सिख मराठा जैसे योद्धा जातियों का आविर्भाव हुआ। नंबर चार, सामाजिक कुरीतियां एवं अंधविश्वास कम हुए। प्रश्न संख्या दो, कबीरदास के चार उपदेश बताइए। 2004 MF, 2007 के। उत्तर, नंबर एक, हिंदू मुस्लिम एकता। नंबर दो, धार्मिक पाखंडों एवं कर्मकांडों का विरोध। नंबर तीन, सामाजिक कुरीतियों का विरोध। नंबर चार, सदाचार एवं सरल जीवन पर बल। प्रश्न संख्या तीन, नामदेव के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, नामदेव जी भक्ति आंदोलन के महान संत थे। अंधविश्वास, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा धार्मिक भेदभाव में उनकी आस्था न थी। उनका ईश्वर की एकता और भक्ति में दृढ़ विश्वास था। वे कवि भी थे। उनकी रचनाएं हिंदी तथा मराठी दोनों भाषाओं में प्राप्त होती हैं। वे आचरण व चरित्र की शुद्धता पर विशेष बल देते थे। पृष्ठ संख्या 258, प्रश्न संख्या 4, सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। 2003 KK, KG, 2005 IY, 2006 HO, 2008 IU अथवा सूफी संतों के महत्वपूर्ण उपदेश क्या थे 2011 IK। उत्तर, सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। रोमन नंबर एक, गुरु का महत्व। रोमन नंबर दो, ईश्वर एक है। रोमन नंबर तीन, सौंदर्य अनुभूति और प्रेम की भावना का विकास। रोमन नंबर चार, व्यक्तित्व का महत्व। रोमन नंबर पांच, कर्म पर विश्वास। रोमन नंबर छह, भक्ति रस से परिपूर्ण संगीत एवं गायन को महत्व आदि। प्रश्न संख्या पांच, सल्तनत कालीन चार इमारतों के नाम लिखिए। 2004 MI, 2005 JA, JB, IW, 2007 KF। उत्तर, सल्तनत कालीन चार इमारतें निम्नलिखित हैं। नंबर एक, कुतुब मीनार। ये मेहरौली दिल्ली में स्थित है। इसकी पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी तथा शेष मंजिलें इल्तुतमिश ने बनवाई। ये मीनार 242 फीट ऊंची है। इसकी पांच मंजिलों में 379 सीढ़ियां हैं। नंबर दो, कुवतुल इस्लाम मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ये कुतुब मीनार के निकट स्थित है। ये लाल पत्थर की बनी है। नंबर तीन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये मस्जिद अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इल्तुतमिश ने इसमें सात मेहराबे बनवाई। नंबर चार, बदायूं का जामा मस्जिद। रिपीट, बदायूं की जामा मस्जिद। इसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। सुल्तानों द्वारा बनवाई हुई मस्जिदों में ये सबसे बड़ी मस्जिद है। इसकी लंबाई 282 फीट तथा चौड़ाई 220 फीट है। यह आज भी बहुत मजबूत है। प्रश्न संख्या छह, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, रोमन नंबर एक, एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया है। रोमन नंबर दो, ईश्वर की उपासना भी भक्ति भावनाओं पर आधारित थी। रोमन नंबर तीन, किसी भी प्रकार की जाति प्रथा और वर्ग विभेद को भक्ति आंदोलन में स्वीकार नहीं किया गया। सभी को समान रूप से धर्म ग्रहण करने का अधिकार था। रोमन नंबर पांच, धर्म में किसी प्रकार के कर्मकांड को नहीं अपनाया गया। रोमन नंबर चार, धर्म में किसी प्रकार के कर्मकांड को नहीं अपनाया गया। रोमन नंबर पांच, हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया। प्रश्न संख्या सात, भक्ति आंदोलन के चार प्रमुख संतों के नाम लिखिए। 2003 KH, 2004 MG, ME, MI, 2005 IW, 2011 IF। उत्तर, रोमन नंबर एक, रामानंद। रोमन नंबर दो, कबीरदास। रोमन नंबर तीन, गुरु नानक। और रोमन नंबर चार, चैतन्य। प्रश्न संख्या आठ, चार सूफी संतों के नाम लिखिए। 2004 MF, 2005 IY, JB। उत्तर, रोमन नंबर एक, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। रोमन नंबर दो, शेख निजामुद्दीन औलिया। रोमन नंबर तीन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और रोमन नंबर चार, शेख सलीम चिश्ती। प्रश्न संख्या नौ, सल्तनत कालीन चार विद्वानों के नाम लिखिए। उत्तर, रोमन नंबर एक, अमीर खुसरो। रोमन नंबर दो, मिनहाज उस सिराज। रोमन नंबर तीन, जियाउद्दीन बरनी। और रोमन नंबर चार, शमसे सिराज अफीफ। प्रश्न संख्या दस, सल्तनत कालीन चार कृतियों के नाम लिखिए। उत्तर, रोमन नंबर एक, तबकाते नासरी। रोमन नंबर दो, तारीख ए फिरोज शाही। रोमन नंबर तीन, वामन भट्ट का पार्वती परिणय। रोमन नंबर चार, कर्म मीमांसा। प्रश्न संख्या 11, शंकराचार्य कौन थे, वे क्यों प्रसिद्ध हैं? उत्तर, शंकराचार्य एक महान विद्वान और दार्शनिक थे। इनका जन्म 778 ईस्वी में मालाबार स्थित कुलदी नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने संन्यास ग्रहण कर वैदिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। इनको धर्महंस की उपाधि मिली थी। इन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया और बताया कि ब्रह्म और संसार में कोई भेद नहीं है। इन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए देश के चारों कोनों में चार मठों, बद्रीनाथ उत्तर, श्रृंगेरी दक्षिण, पुरी पूर्व और द्वारिका पश्चिम की स्थापना की थी। पृष्ठ संख्या 259, प्रश्न संख्या 12, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
उत्तर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में सूफी धर्म के चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक थे। इनका जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिजिश्तीन नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सैयद गयासुद्दीन था। वे बचपन से ही ईश्वर के भक्त थे। युवा होने पर आप अनेक धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हुए भारत आ पहुंचे और अजमेर को अपना स्थायी निवास स्थान बना लिया। इनकी मजार अजमेर में बनी हुई है। प्रश्न संख्या 13, गुरु नानक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2005 JA, JB, IX, IZ अथवा गुरु नानक कौन थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी। 2007 KG, KK अथवा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। 2011 IH, IG उत्तर, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक गांव में हुआ था। नानक भक्ति संप्रदाय के प्रमुख संत थे। इनके पिता महेता कालूचंद्र खत्री जाति के थे। उनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई। नानक वेद और कुरान को नहीं मानते थे। वे मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। बाह्य आडंबरों एवं जाति पाति में उनका विश्वास नहीं था। गुरु नानक का ईश्वर की एकता में विश्वास था। उन्होंने भी परमात्मा की भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा की निंदा की, बहुदेव पूजा का विरोध किया और इस बात का समर्थन किया कि सच्चा धर्म एक है। उन्होंने सच्चरित्रता पर जोर दिया और मनुष्यों को सत्यवादी ईमानदार होने पर ईश्वर से डरने का उपदेश दिया। प्रश्न संख्या 14, सूफीवाद से क्या तात्पर्य है। 2007 KH उत्तर, इस्लामी रहस्यवाद को सूफीवाद की संज्ञा दी जाती है। ये संप्रदाय और आंदोलन दोनों हैं। इस मत के समर्थक ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए आतुर रहते हैं। वे आत्मा के परमात्मा में लीन हो जाने की संभावनाओं में विश्वास रखते हैं। परमात्मा में लीन हो जाना ही सूफी मारिकात या एकीकरण है। प्रश्न संख्या 15, सल्तनत कालीन चार इमारतों के नाम लिखिए। 2007 KF उत्तर, रोमन नंबर 1 कुतुब मीनार, रोमन नंबर 2 अलाई दरवाजा, रोमन नंबर 3 हजार सेतून महल, रोमन नंबर 4 कुतुबी मस्जिद। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, भक्तिकालीन दो संतों का नाम लिखिए। उत्तर, कबीर और चैतन्य। प्रश्न संख्या 2, भक्तिकालीन संतों की दो शिक्षाएं बताइए। उत्तर, नंबर 1 एकेश्वरवाद में विश्वास, नंबर 2 धर्म के कर्म कांडों का विरोध। प्रश्न संख्या 3, रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था। उत्तर, 1017 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 4, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। उत्तर, 1469 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहां हुआ था। उत्तर, चैतन्य का जन्म सन 1485 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया। विकल्प इस प्रकार है, का कुतुबुद्दीन ऐबक, खा इल्तुतमिश, गा रजिया, घा बलबन। सही उत्तर है खा इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 2, तहकीके हिंद के रचयिता थे। विकल्प इस प्रकार है, का अमीर खुसरो, खा अलबरूनी, गा हसन दहलवी, घा ज्ञान देव। सही उत्तर है खा अलबरूनी। प्रश्न संख्या 260, प्रश्न संख्या 3, अमीर खुसरो की रचना का नाम था। विकल्प इस प्रकार है, का तुगलकनामा, खा तहकीके हिंद, गा तारीखे फिरोजशाही, घा तबगाते नासरी। सही उत्तर है का तुगलकनामा। प्रश्न संख्या 4, चैतन्य का जन्म किस प्रांत में हुआ था। विकल्प इस प्रकार है, का महाराष्ट्र, खा पंजाब, गा बंगाल, घा बिहार। सही उत्तर है गा बंगाल। प्रश्न संख्या 5, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। विकल्प इस प्रकार है, का आगरा, खा तलवंडी, गा अजमेर, घा दिल्ली। सही उत्तर है गा अजमेर। प्रश्न संख्या 6, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। विकल्प इस प्रकार है, का 1466 ईस्वी, खा 1468 ईस्वी, ग 1469 ईस्वी, घ 1479 ईस्वी। सही उत्तर है ग 1469 ईस्वी। पृष्ठ संख्या 261,